अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद फिरदौस अली आज जो रेसिपी शेयर करने आई हूँ वो है पोहा। तो आइए हम बनाते हैं पोहा। पोहा बनाने के लिए मैंने 3 कप पोहे लिए हैं। इसको अच्छी तरह से हम 3 पानी से धो लेंगे। और इसके बघार के लिए मैंने 3 मिर्ची हैं हरी, 1 मीडियम साइज प्याज, 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून सौंफ, कड़ी पत्ता और 1 पिंच हींग। ये बघार का सामान है। और हरा धनिया, इन सबको हम बघार में यूज़ करेंगे। देखिए पोहे को मैंने अच्छी तरह से धोकर 3 पानी से रख दिए हैं। पोहे कोई कड़क भी होते, अगर कड़क हो तो उसको थोड़ी देर के लिए आप 1-2 मिनट के लिए पानी में भिगा रहने दीजिए। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून शक्कर। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अब हम इन सब तीनों को अच्छी तरह से पोहों में मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से आप मिक्स कर दीजिए। अच्छी तरह से मिक्स करें, अब हम बघार की तैयारी करते हैं। देखिए गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखी है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून इतना ऑयल डालूँगी और हम इसको अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। देखिए हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हमने जो राई, सौंफ, कड़ी पत्ता और हींग निकाल के रखी थी उसको हम तेल में ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरह से सोटे होने देंगे। अब ये अच्छी तरह से हमारे हो गया है। अब हम इसमें प्याज और हरी मिर्च डालेंगे। मैंने प्याज और हरी मिर्च भी डाल दी है। अब इसको भी अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। हमें प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हमको सिर्फ प्याज को नरम करना है, इतनी देर पकाना है। देखिए हमारा बघार अच्छे से हो गया है। अब हम इसमें पोहे ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से आप धीरे धीरे पोहे डाल दीजिए और उसको हमारे बघार में हम मिक्स कर देंगे। फिर इस तरह से अब इसको अच्छी तरह से चम्मच से आप हिलाकर मिक्स कर दीजिए। अच्छी तरह से हम पूरा मिक्स कर देंगे कि सारे मसाले हमारे अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। देखिए हमारे पोहे अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए इसको भाप में रख देंगे ढककर, ताकि इसमें जो हमने शक्कर और ये डाली है वो अच्छी तरह से पक जाए। देखिए 5 मिनट हो गए हैं और हमारे पोहे अच्छी तरह से पक गए हैं। अब मैं इसमें थोड़े से अनार के दाने ऐड करूँगी, हरा धनिया डालूँगी और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अनार के दाने भी पोहे में बहुत अच्छे लगते हैं। अब इस तरह से आप इसको मिक्स कर दीजिए और अब हम आइए इसको डिश आउट करते हैं। देखिए हमारा टेस्टी पोहा बनके तैयार है। आप इसको कैसी तरह भी खा सकते हैं, तेज़ सेव डाल के, फीकी सेव डाल के, आपको जिस तरह से भी खाना हो। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट्स कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलूँगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।